क्या करेंगे भाई, इसकी खुशबू सूंघनी है बस, खुशबू के लिए चाहिए। नहीं बेफिक्र हो, बेफिक्र हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है यार, ये बहुत ही पॉपुलर आइटम है, बहुत ही हिट आइटम है। इवन के ये जिस ब्रांड की है या जो इसके पीछे हाउस है उसकी सबसे फेमस आइटम ये है। ये है ब्लैक अफवानो बाय नेसोमोटो। इसको फर्स्ट टाइम मैंने जब एक्सपीरियंस किया ना, तकरीबन आज से चार पाँच महीने पहले की बात, तीन चार महीने पहले की बात है, गालिबन जुलाई के या जून की बात है, मुझे एकदम मेरा कॉन्सेप्ट चेंज कर गया ये फ्रेगरेंस। उसके बाद इसमें मेरे साथ कुछ स्टोरीज भी बनी हैं इस फ्रेगरेंस के ऊपर, तो लेकिन मेरा इतना सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। नेसोमोटो का फर्स्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बारोंडा एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा उसका, कमाल का एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा मेरे पास उसके ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है यार। मैंने बड़ी नीश फ्रेगरेंसेस को एक्सपीरियंस किया है, बहुत हाई एंड की मतलब फ्रेगरेंसेस को एक्सपीरियंस किया। ब्रांडा किसी से नहीं मैच करता, ब्रांडा का लेवल ही अलग है। उसके बाद ब्लैक अफवानो को एक्सपीरियंस किया। बहुत से लोग इसके बारे में कहते थे कि यार ये हशीश है, मैरुवाना है, ये बंदे को घुमा देती है, ये बंदे को उड़ा देती है, ये समझ में नहीं आती फ्रेगरेंस। जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया मेरा बिल्कुल, मैं कहूँ यार मैं क्या सूंघ रहा हूँ, लोग इसके बारे में पता नहीं क्या कहते हैं और ये इसके बिल्कुल बरक्स है, या पता नहीं वो समझ नहीं सके इस फ्रेगरेंस को। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में ये है कि यार ये इजी टू वेयर है, इजी टू कैरी है और कमाल की फ्रेगरेंस है, आपके कमाल का आरोमा बनाती है। मेरी छोटी बहन 18-19 साल की अराउंड, मैच्योर नोज नहीं है। मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम लगाया ना उसकी रिस्ट पे, वो मुझे कहती है कि असद भाई ये क्या खूबसूरत सी आपने परफ्यूम मुझे लगाई है। मैं उसको देखूं और ब्रांडा को देखूं, मैं कहूँ यार ये क्या कह रही है। हालांकि वो मेरी परफ्यूम जब मैं लगाता हूँ ना, वो बाज़कत वो बड़ी इरिटेट होती है कि बड़ी मतलब ना लगती है, और वो बड़ी सेंसिटिव है इस मामले में। वो मुझे कहती है और मैं हैरान, मैं कहूँ यार ये मुझे क्या कह रही है। उसने इसको पसंद किया, मैं आउट यार, मैं क्या करूँ या क्या ही सकूँ। पर यार ये फ्रेगरेंस ना मेरे साथ अनलिकली ये हुआ कि मैंने इसकी ये वाली बॉटल, मेरी फोर्थ बॉटल है, पहली बॉटल टूट गई, दूसरी बॉटल में से मेरे डिकेंट्स जो है एक दो दोस्तों को दे रहा था वो टूट गए, उसके बाद तीसरी बॉटल जो इसकी है वो मैंने अपने दोस्त को दे दी, और चौथी बॉटल ये है। बल्कि दो बॉटलें तो मेरे पास पड़ी हुई हैं, एक टूटी हुई और एक इसकी जो कम बॉटल है वो तो मेरे पास पड़ी हुई है, एक मैंने अपने दोस्त को दे दी, बल्कि मेरे पास ही है टूटी हुई, मैं इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। ये यार ये फ्रेगरेंस कमाल है। मैंने एक लड़के को चेक करवाई, मैंने अक्सर इस तरह की चीज़ें जो होती है ना जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अल्कोहलिक है, बुजीनेस की तरह की, या ये कोई भी जिसमें कहा जाता है कि ये नशाबर चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, मैं इन लड़कों को चेक करवाता हूँ। मेरे पास मेरे कुछ हैं लड़के ऐसे जो ना इस तरह के एक्सपीरियंसेस रखते हैं, खैर अब तो वो नहीं करते लेकिन वो उनसे ज़रा हेल्प आउट हो जाती है चीज़ों को। मैंने इसको चेक करवाया, मैंने कहा यार इसको चेक करो कौन सा नशा है इसके अंदर, लोग कहते हैं कि हशीश है, मैरिजुआना है। तो उसने अच्छी तरह सिर्फ करने के बाद कहता है नहीं यार ये वो नहीं है। मैंने कहा यार ये फिर क्या है, कहता है ये भंग है। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने इसको नोट्स को पढ़ा फ्रेगरेंटिका पे, उसमें कैनेबस लिखा हुआ था, मैं कैनेबस को ट्रांसलेट वगैरह किया, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले, लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो ये वाकई हमारे यहाँ जो भंग होती है वही पौधा था, वही चीज़ थी। और फिर मैं प्रॉपर इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं भंगियों के पास भी गया, मैं बड़ा घूमता फिरता भी रहा हूँ इसके पीछे, मतलब एक शौक के लिए इसको आया, वाकई इसको काउंटर चेक करने के लिए कि यार ये वाकई वो है जो लड़का कह रहा है कि ये कुछ और है। बहरहाल मैं वो वीडियो भी आपको लगा दूंगा। ये हमारे देसी भंगनी जो होती जो वो रगड़ के पीते हैं, घोटा जिसे कहते हैं, उस जैसा टॉन है इसका ओपनिंग में, और बड़ा ही प्यारा टॉन है, शरबती सा टॉन है, मज़ा आता है उस भंग के अंदर। वो कहते हैं ना कि सौंफ डाल लो, उसके अलावा वो बादाम डाल लो, ये दो तीन चीज़ें का डाल के ना जो उसको जब वो रगड़ते हैं ना तो वही खुशबू इसके ओपनिंग नोट्स के अंदर है। तो देसी अल्फाजों में ये एक हमारे देसी भंग है इसका जो ओपनिंग टोन है। बाकी ये फ्रेगरेंस लोग कहते थे कि यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ऊद की टाइप या लकड़ी का टोन या इंसेंसी टोन या रेजिनी टोन, नहीं
वुडी स्ट्रक्चर है, प्रॉपर मैच्योर स्ट्रक्चर है और बड़ा प्रॉपर लकड़ी का टोन आता है। और वो जिस तरह वो एक होता है ना कि लकड़ी हमारे यहाँ दियार की जो लकड़ी होती है अमूमन हमने सुंगी भी होती है हमारे यहाँ बाज़ारों में या शहरों में लकड़ी मार्केट होती है वहाँ पर भी वो खुशबू आती है, लेकिन इसकी टोन थोड़ी उससे इंटेंस है, डार्क टोन है। जिस तरह वो ऊद की लकड़ी की तरफ को अगर जाया जाए ना वो टोन इसके अंदर आती है, लेकिन बड़ी प्यारी टोन है, बड़ी ही प्यारी टोन है। अब इसके बाद में इसके ऊपर मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस आपको बताऊं। यार मैंने जो मेरी बॉटल टूटी थी मैंने उसमें से 2-3 ml बस मैं उस ऊपर रिकवर कर सका और मैंने अपने एक दोस्त को दे दी, मेरे साथ ही होते हैं, मेरे सिटी से ही हैं, मेरे साथ वाले स्टोर पे होते हैं, मैंने उसको दी। वो मुझे चंद दिन पहले कहता है यार मैं एक पार्टी के अंदर ना मेरे जो सऊदी दोस्त है वो सऊदी से रह के आया हुआ, वापस आया हुआ, कहते हैं मेरे सऊदी दोस्त आए हुए थे पाकिस्तान तो मैं उनके पास महफिल थी, एक पार्टी थी हमारी, तो मैं वो लगा के गया ब्लैक एंड वाइट, जो भी मुझे गले मिले मुझे छोड़े ना, बोला कोई नहीं है उनमें से, उसने कहा कमबख्त मारे बोला कोई भी नहीं है उसमें। लेकिन यार वो एक दफ़ा सारे वो खुशबू सूंघ रहे थे कि यार ये क्या लगा के आया, तो यार ये इतनी कमाल की चीज़ है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। खैर बरौंडा एक क्लिक कर गई है तो एक अलग बात है, कम ये भी नहीं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आउट क्लास चीज़ है, परफॉर्मर बीस्ट किस्म की, इंतहा किस्म की इसकी परफॉर्मेंस है, अल्फाज नहीं है। जो मेरी बॉटल टूटी थी वो मेरे स्टोर पे ही टूटी थी, तकरीबन 3-4 दिन फ्रेग्रेंस रही है उस एरिए के अंदर, वो नहीं छोड़ती जान। उसके बाद जब मेरा वो डिकैन टूटा था मैंने एक टॉवल के साथ उसको क्लियर किया था, साफ़ किया था, वो टॉवल में से तकरीबन 3 हफ्ते बाद भी मुझे खुशबू महसूस होती थी। वो जो टूटी बॉटल मैंने अपनी वॉलड्रॉप में रखी तो पता नहीं कितने दिन तक वो उसमें से फ्रेगरेंस आती रही, इवन कि मेरी बेगम ने वो वॉलड्रॉप से वो निकाल के बॉटल वो अलग रखी कि यार ये जब इसको खोलते हैं तो एकदम झोंका आता है इसके ऊपर। तो परफॉर्मर में तो ये कमाल है, सियाज कमाल है, परफॉर्मेंस कमाल है, हर तरह से कमाल है। अब इसको वेयर किस तरह करना है, या मैंने जो इसको अब तक एनालिसिस किया है जो मैं इसको समझ सका हूं, इसकी वेयरिंग जो है ना नाइट वेयर में ज़्यादा मदद देती है। जैसे सर्दियों की रात हो, बारबेक्यू वाली पार्टी हो, या दोस्तों के साथ आउटडोर की पार्टी हो, यार ये उसमें वेयर करो ना तो यार कमाल मज़ा आता है, कमाल मज़ा आता है। बल्कि मज़े से बात एक बताऊँ, हमारे एक दोस्त हैं फेसबुक के ऊपर भी हैं, राना अरसलान साहब, उनसे इसके बारे में डिस्कशन हुई ना, वो मुझे कहते हैं यार ये सरदाई है, मैं कहा नहीं राना साहब ये सरदाई वो नहीं है, जो कहते हैं यार ये मलंगों की सरदाई है, मैंने कहा मलंगों की सरदाई पर मेरे क्लिक कर गए, ये भांग वाली बात कर रहे हैं। तो यार ये वाकई ही मज़े की टोन है, मेरी बेगम मुझे कहती है कि आपने तो क्या शरबती सी टोन लगाई है, बाद में मुझे इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है, कमाल की चीज़ है, ये डिज़र्व करती है कि इसके एक्सपीरियंस किया जाए। बाकी ये मेरी ओपिनियन थी, टूटी फूटी मैंने कोशिश की है इसकी जिसे कहते हैं ना फजाइल बयान करने की, तो उम्मीद है आपको पसंद होंगे, एक्सपीरियंस करें इसको, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मज़ा आ जाएगा। बाकी ये मेरी आज की वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।